हेलो गाइस, मैं मंजू सिद्दीकी और अब हम इसमें वर्क करेंगे किसका, आई के सोल्वर और आई के स्प्लाइन का। वो कैसे चला करेंगे ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले चलते हैं, ये है मेरे पास, इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ एक बार जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्लियर हो। ये आ रहा है मेरे पास आई के सोल्वर और आपका है रोटेट प्लेन सोल्वर। ये आरपी सोल्वर होता है, होता है एस के सोल्वर, ये सिंगल चैन सोल्वर होता है, ऐसे सोल्वर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं आर के सोल्वर। आर के सोल्वर क्या करता है, ये रोटेट और मेरे लिए मूव का दोनों का ऑप्शन देता है, लेकिन सिंगल सोल्वर वो रोटेशन का ऑप्शन नहीं देता। सो क्लिक करते हैं, ठीक है, और देखिए गाइस, ठीक है। तो गाइस लग गया मेरा आई के सोल्वर। अब गाइस क्या करते हैं, इस पर भी आई के सोल्वर लगा लेते हैं। तो आई के सोल्वर लगाने के लिए गाइस दोबारा फिर मैंने क्या किया, क्लिक किया और क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ आए गाइस दोबारा अपने इस पार्ट पर, ठीक है, क्लिक किया देन क्लिक। लेकिन यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर मैं करूँगा तो यहाँ मुझे स्टिकी करना पड़ता है गाइस। क्लिक करो यहाँ आर पी सोल्वर, ये ऑप्शन आ रहा है स्टिकी का, इसे ऑन कर लो और गाइस स्टिकी में क्लिक करो, इसे क्लिक करो, ठीक है। ये देख रहे हैं आप रेड सा ऑप्शन आ रहा है, ये स्टिकी कहलाता है। स्टिकी में क्या होता है, ये हमारा जो है जब तक मूव नहीं करेंगे लेग के लिए तब तक ये मूव नहीं करता। सो स्टार्ट करते हैं इस पर भी, ले लेते हैं और इस पर भी, ठीक है। अब गाइस क्या करते हैं, अब मैं लेता हूँ यहाँ पर आई के स्प्लाइन। आई के स्प्लाइन टूल मेरे पास ये मिलेगा, आई के स्प्लाइन स्क्रीन बैंड है मेरे पास, कलस्टर है, स्क्रीन पेंट है। सो गाइस यहाँ दिख नहीं रहा है, तो मैं चलता हूँ सीधे स्केलेटन के अंदर और यहाँ मिलेगा मेरे लिए आपका स्केलेटन आर पी सर्वर रिमूव। आई के स्प्लाइन टूल, ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। ये है मेरे पास आई के स्प्लाइन। स्क्रीन में आ गया मैं, सॉरी, आई के स्प्लाइन, ठीक है। अब इसको ले लिया, यहाँ आ रहा है मेरे पास वन, तो मैंने इसको वन कर लिया और यहाँ लीनियर है, लीनियर ही रहने देते हैं। इसको एक रिसेट कर लेते हैं, ओके। और क्या करते हैं, फर्स्ट क्लिक एंड लास्ट क्लिक, ठीक है। गैस ये क्या करता है, ये एक बाउंस में मेरे लिए कर्व दे देता है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये कर्व है। अब मैं इसको लूँगा कर्व में, क्लिक किया, तो अगर मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है गैस, इसको मैं एक बार कर दूँ, इसको बाउंस को कर लेता हूँ सिलेक्ट। अब मैं इसको करूँगा तो क्या करेगा, मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किया तो ये मूव करेगा इस तरीके से, ये देखिए। अगर मैं वैसे चाहता तो देते हो वैसे भी देता, लेकिन ये वाला जो है मुझे इफेक्ट नहीं मिल पाता, तो मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट करता हूँ दोबारा, और क्या करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करता हूँ अपना कंट्रोल के साथ, कर्व कंट्रोल आ रहा है एंड मेरे पास, टैक्स सो गाइस। अब हम इस पर क्या करते हैं, लगाते हैं क्लस्टर। क्लस्टर किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो स्टार्ट किया मैंने इस पार्ट के लिए, और यहाँ पर क्या किया, थ्री प्रेस किया, ठीक है, और थ्री प्रेस करने के बाद कर्व किया और सेलेक्ट किए सारे वर्टेक्स, जहाँ जहाँ मेरे वर्टेक्स हैं, ठीक है, इसको लो, इसको लो, इसको सेलेक्ट करो सारे, ठीक है, इनको लिया। और यहाँ पर आते हैं डिफॉर्मर के अंदर, आता है मेरे पास क्लस्टर, यहाँ क्लिक करते हैं, मेरे क्लस्टर में लिया एक क्लस्टर, ये लग गया मेरा, ठीक है।
एक क्लस्टर यहाँ लगा, सॉरी इसको सिलेक्ट करो, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ सेलेक्ट करो दोबारा और आओ यहाँ, यहाँ सेलेक्ट करो, कर्व के अंदर आओ, सेलेक्ट करो, जी प्रेस करो, ठीक है जी से इस पर रिपीट कमांड आती है गए, और फिर दोबारा बाहर आओ, सेलेक्ट करो, ठीक है, और एक काम करते हैं सबको हाइड कर लेते हैं एक बार, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और केवल शो कर लेते हैं कर्व के लिए, ये मेरे पास कर्व आ गया, ठीक है। और यहाँ लो वर्टेक्स मोड में आए, हो गया मैंने कैमरा डिफॉर्मर डिफॉर्मर्स कर लिए, ठीक है ये आ गया मेरे पास, मैंने फिर जी प्रेस किया, क्रिएट डिफॉर्मर में गए हैं और क्लस्टर दे दिया, ठीक है फिर सेलेक्ट किया और फिर आए, सेलेक्ट किया जी प्रेस कर दिया, फिर यहाँ आए और जी प्रेस कर दिया, ठीक है गाइस, ये मेरे पास चार क्लस्टर हो गए। अब चार क्लस्टर के बाद मैंने क्या किया गाइस, यहाँ फिर करते हैं शो वाले, ठीक है, और इसको मूव करके देख लेते हैं, यहाँ पर ऑन कर लेते हैं अब सबके लिए, ठीक है, और देखते हैं, ठीक है एकदम परफेक्ट मिल गया, क्लस्टर का मेरा हो गया, मेरा अब मैं अपने हैंड को देखता हूँ मूव करके, हैंड मूव हो रहा है, ओके उसके बाद मेरे पास इसको देखता हूँ मूव करके, लेग लेग मूव हो रहा होगा, ठीक है परफेक्ट। अब गाइस क्या करते हैं, यहाँ पर ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है इसको मैं चाहूँ तो इसको मैं दे देता हूँ आरपी सोल्वर, ठीक है सिंगल चेंज सोल्वर, और क्लिक करो यहाँ और यहाँ, ठीक है ये क्या करेगा कि रोटेट करेगा, यहाँ अपना वर्क करेगा रोटेशन का, इसको सेलेक्ट करो यहाँ करो, और अगर चाहो तो सिंगल सोल्वर भी दे सकते हो, ऐसा नहीं, ठीक है क्लिक करो और यहाँ इसको लो, ठीक है सेव करते हैं इस पार्ट के लिए। अब बाकी जो काम बचा है मेरा वो काम मैं अपना करूँगा, कड़ाके काम बचा मेरा वो करूँगा उस कंट्रोलर से, हो गया। अब सो गाइस अब कंट्रोल्स के लिए मेरा ट्यूटोरियल आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।